वालेकुम। आज मैं चिकन की धान चिकुरी बनाने जा रही हूँ, जो गांव में बनता है सुक्का। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चिकन ली हूँ, स्क्वॉच से धोकर ली हूँ मैंने। स्क्वॉच से साफ करके लेना है। चार आलू ली हूँ मैंने, चिल्टे के साथ ली हूँ, और चार बड़े प्याज है, इसको इस बारीक कट करके ली हूँ। यहाँ पर मैंने गरम मसाला ली हूँ आधा चम्मच, और नमक है एक बड़ा चम्मच, मसाला है कोकनी मसाला है ये मैंने बड़े दो चम्मच ली हूँ, और ये सौंफ की पाउडर है एक चम्मच, हल्दी पाउडर एक चम्मच है, और धनिया की पाउडर एक चम्मच है, ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच है, दो ऑयल है चम्मच बड़े चम्मच, और एक चम्मच मैंने घी ली हूँ। यहाँ पर मैंने तेज़पत्ता ली हूँ, एक बड़ी इलायची है, काली मिर्ची है, चार लौंग है, दो दालचीनी के टुकड़े हैं, और ये चक्री फूल है, इसमें अच्छा फ्लेवर देता है, और ये छोटी इलायची हरी इलायची है। हरा मसाला ली हूँ, अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट ये बड़े दो चम्मच ली हूँ मैंने, दो टमाटर को ऐसे वाले कट करके लेना है, और हरा धनिया है मुट्ठी भर, और आधा नींबू है। सूखा खोबरा इसको भूनकर अच्छे से मैंने मिक्सर में ग्राइंड करके ली हूँ, दो बड़े चम्मच है। और मैंने तपेला ली हूँ और गैस चालू की हूँ, इसमें घी को ऐड करेंगे, घी को गर्म होने देंगे, साथ साथ तेल भी ऐड करेंगे इसके अंदर, तेल को भी गर्म होने देंगे। तेल और घी गरम हो चुका है, इसमें मैं खड़े गरम मसाला ऐड करूँगी, इसको थोड़ा भून के लेना है, धीमी आंच रखनी है। गरम मसाले हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसमें मैं प्याज ऐड करूँगी, प्याज को अच्छा गोल्डन फ्राई करके लेना है धीमी आंच पे। चिकन ली हूँ, साथ साथ इसमें हरा मसाला ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, धनिया की पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, सौंफ की पाउडर, फिर कोकनी मसाला, और इसको अच्छे से मिक्स करके लेना है। चिकन को अच्छा सा मसाला लगा के रखने से अच्छा टेस्ट आता है उसको। प्याज फ्राई होता है तब तक मैं इस चिकन को मसाला लगा के रखती हूँ थोड़ा देर। गाँव में ऐसे ही बनाते हैं, मैं गोश की भी डाली हूँ, धान चिकोरी, मटन की डाली हूँ, अभी ये मैं चिकन की बना रही हूँ, ये भी बहुत टेस्टी बनती है। अच्छा मसाला इसको लगा के ऐसा रखना है। से नींबू भी ऐड करूँगी और अच्छे से मिक्स करके रखेंगे इसको। प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसमें टमाटर को ऐड करूँगी और अच्छे से नरम करके लेना है। प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी है, मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी, और साथ साथ थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से चिकन को भून लेना है। मैं वही पानी सब धो के इसमें ऐड करेंगे, अच्छे से भून लेना है चिकन को। पाँच मिनट मैंने अच्छे से इसको ढक कर रखी थी, इसको ऐसे ढक के रखना है, और अच्छे से चिकन को
इसमें पानी मैंने पहले थोड़ा सा डाली थी, आधा गिलास। इसमें और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, एक गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे इसमें और इसको अच्छा सा पकने देंगे। चिकन अच्छा पकता है और अच्छा भुनता है तो अच्छा टेस्ट आता है इसको। आलू को हम बॉईल करके डालेंगे। पकते पकते 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने धीमे आँच पर रखी थी। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आलू बॉईल करने से इसके टेस्ट जैसा क्या वैसा रहता है। ये तो सब आलू, उसका चिकन का पानी है, ये मैंने बॉईल करके ली हूँ, या तो आप फ्राई करके ले सकते हैं। आलू को ऐड करेंगे इसके अंदर। जैसे चिकन की दान चिकोरी ट्राई करो ऐसा, मेरे जैसा, बहुत टेस्टी बनता है। अच्छी वीडियो लगती है तो लाइक करो, आपके लाइक आते तो अच्छा लगता है। साथ साथ इसके मैं कोबरा भी ऐड करूँगी, भुना हुआ पिसा हुआ, और गरम मसाला ऊपर से डालने से इसको अच्छा टेस्ट आता है। अच्छे से मिक्स करके लेंगे इसको हल्के हाथ से, चिकन अपना कूटे ना। और इसको ऐसे ही धीमे आंच पे और पका के लेना है इसको। 2-3 मिनट इसको अच्छे से पका के लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, देख सकते हैं आप, ज़बरदस्त बना है धान चिकोरो चिकन की। इसमें मैं हरा धनिया ऐड करूँगी और सर्व करूँगी। देख सकते हैं कितना गाढ़ा गाढ़ा और ज़बरदस्त बना है। इसका ग्रेवी जैसी बनती है ना, वो अच्छी बनी है, ज़रूर ट्राई करना इसको। आप चावल की रोटी के साथ में, चावल के साथ में खा सकते हैं। मैं भी सर्व करती हूँ। यहाँ पर मैंने धान चिकोरी चिकन की सर्व की हूँ। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।